अभी तक आपने देखी राजस्थान की वो तस्वीर जो किसी का भी दिल दहला सकती है, बात चाहे आपसी रंजिश की या फिर दूसरा कोई विवाद। गुनाहगार आसानी से किसी का भी कत्ल कर देते हैं और फिर वारदात कर फरार हो जाते हैं। चलिए अब आप आपको दिखाते हैं प्रदेश की राजधानी जयपुर की वो तस्वीर जहां पिछले दिनों में कत्ल की वो इबारतें लिखी गई जिसके बाद खाकी के माथे पर पसीना ही नजर आता है। जयपुर में पिछले दिनों हुई कत्ल की उन वारदातों ने पुलिस को अभी तक कामयाबी की दहलीज तक नहीं पहुंचाया, जिस पर सबकी नजरें टिकी है। आइए आपको बताते हैं जयपुर की वो कुछ कत्ल की वारदातें जिन्हें लेकर अब पुलिस केवल यही कहती है कि जांच चल रही है। जब जहां चाहा किसी को भी गोली मार दी जाती है, जब जहां चाहा किसी का सिर कुचल दिया जाता है और जब जहां चाहा किसी का गला दबा दिया जाता है। राजधानी जयपुर में यूं तो कानून और सुरक्षा की बातें बहुत की जाती हैं। सरकार और आला अधिकारी भी हर बार यही कहते हैं कि जयपुर की सुरक्षा में वो हर समय मुस्तैद है, लेकिन अगर कहा जाए कि यहाँ दिन दहाड़े भी वारदातें हो जाती हैं और बदमाश किसी को भी गोली मार सकते हैं तो गलत नहीं होगा। आपको याद होगी करीब 2.5 महीने पुरानी वो वारदात जो दिन दहाड़े शहर के विद्याधर नगर में की गई थी। एक पुराने हिस्ट्री शीटर को अज्ञात बदमाशों ने अपनी गोलियों का शिकार बना डाला। ये था जयपुर का हिम्मत सिंह हत्याकांड। 11 मई को इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। अपनी कार में बैठे हिम्मत सिंह को कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोलियां मार दी। चारों तरफ हड़कंप मच गया था। हिम्मत सिंह के साथ सवार दूसरा युवक तो अपनी जान बचाकर भाग गया और यहीं बदमाश भी फरार हो गए। हत्या की ये गुत्थी अब अनसुलझी बन गई। पुलिस को अंदेशा है कि ये वारदात किसी संगठित गिरोह द्वारा की गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए वो अपनी जांच में जुटे हैं। हिम्मत सिंह हत्याकांड की गुत्थी काफ़ी उलझी हुई है और इसमें बड़े आपराधिक गैंग भी शामिल हो सकते हैं, उस पर हमारी जांच चल रही है और जांच सही दिशा में है, शीघ्र इसका खुलासा होगा। करीब 2.5 महीने का वक्त गुजर गया लेकिन खाकी इस प्रकरण में अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। वहीं ठीक 2 महीने पहले दोहरे हत्याकांड का वो प्रकरण भी अभी खाकी के लिए पेचीदगी का मामला बना है, जिसमें 26 मई को मां बेटी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने यहां से 2 दिन पुराने शव बरामद किए थे। वाकई राजधानी में तो दहशत फैलने की थी, लेकिन कत्ल की घटनाओं का अंत यहीं नहीं होता। वैशाली नगर में 1 महीने पहले 5 दिन तक राजेंद्र विहार में खड़ी कार से शव बरामद किया गया था। कार में 5 दिन तक रहने की वजह से शव पूरी तरह से सड़ गया था। पुलिस ने मृतक की पहचान मानसरोवर निवासी संदीप कौशिक के रूप में की और शुरुआती जांच में ही इस मामले को हत्या का मान लिया गया था। संदीप के परिजनों ने शिप्रापत थाने में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। पुलिस को मृतक के गले में रस्सी बंधी मिली थी और कार से एक चाकू भी बरामद किया गया, लेकिन उस वारदात की गुत्थी भी जयपुर की खाकी अभी नहीं सुलझा सकी। संदीप कौशिक की जो मृत्यु हुई थी गड़ागोट में से, उसके बाद इसमें काफ़ी सारे प्रयास किए गए हैं और इसके जो डाटा थे मोबाइल के और व्हाट्सएप के, ये सब नष्ट हो जाने की वजह से उसको दोबारा प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं और निकट भविष्य में ही इसमें सफलता मिलने की संभावना चल रही है। जो क्या तकनीकी इसमें क्या पहलू है जिसकी वजह से जांच अभी रुकी हुई है? इसे डाटा प्राप्त नहीं हो पा रहा है ना, जो नष्ट कर दिए गए थे तो वो दोबारा से प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जब तक डाटा प्राप्त नहीं होंगे तब तक समस्या ही है। अब बात करते हैं जयपुर की एक तीसरी कत्ल की वारदात की जो हुई थी जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में 17 जुलाई को। इस तस्वीर को देखने से साफ हो जाता है कि अज्ञात बदमाशों ने इस युवक को किस कदर मौत की नींद सुला डाला।
लेकिन पहले आरोपियों तक पहुंचने की बात कहने वाली पुलिस अभी तक इसी उधेड़बुन में लगी है कि आखिर इस युवक का कत्ल किसने किया। कहने को तो जयपुर में कई आला अधिकारी बैठते हैं, लेकिन जब इस तरह की वारदातें सामने आती हैं, तो उनकी भी हवा निकल जाती है। यहाँ सवाल ये उठता है कि लंबे समय से अनसुलझी हत्या की पहलियों को लेकर हालांकि पुलिस अपनी जांच में जरूर जोर लगाती है, लेकिन लगता है बड़े अपराधियों के सामने खाकी भी खुद को असहाय महसूस करती है। राजधानी की ये सभी वारदातें एक शातिर अपराधी के दिमाग की उपज है, और इन अपराधियों ने इन वारदातों को इतनी सफाई से अंजाम दिया है कि अभी तक पुलिस इन हत्याओं की गुत्थियों को सुलझाने में नाकाम सिद्ध हुई है। कहीं पर बड़े गिरोह का हवाला देकर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बचती नजर आ रही है, तो कहीं पर तकनीकी खामियों को लेकर पुलिस अपना पल्ला झाड़ती है। फिर भी ये अपराधी इन हत्या के वारदातों को अंजाम देकर खुलेआम घूम रहे हैं, ये पुलिस के लिए काफ़ी शर्म की बात है। कैमरामैन रवि के साथ अभिमन्यु सिंह, फर्स्ट इंडिया के।